वेलकम टू द न्यूज़ नाउ। आपने देखा आज दोपहर को हमने आपको डॉक्टर विनय ठुसू जो कि ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन यूनिवर्सिटी के हैं उनके साथ हमने बात की कि किस तरह से प्रोफेसर ताजुद्दीन की जो स्टेटमेंट थी उस पर यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या चल रहा है। अभी मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ डॉक्टर मीनाक्षी किलम जो कि रजिस्ट्रार हैं यूनिवर्सिटी जम्मू। हम उनसे जानेंगे कि इस जो पूरे प्रोसेस है इंक्वायरी का इसको कितना टाइम लगेगा। तो आइए मैम से मिलते हैं। मैम सबसे पहले आपका द न्यूज़ नाउ में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। थैंक यू मैम। अच्छा मैम, हमने आज दोपहर को सर से बात की तो हमें यही पता चला कि अभी इंक्वायरी चल रही है और उसको सर ने बताया कि अभी टाइम लगेगा। माय क्वेश्चन फॉर यू इज़ कि उसको कितना टाइम लगेगा। देखिए, इंक्वायरी के लिए क्योंकि मामले को जहन में रखते हुए कि सेंसिटिव मामला है, हमने सिर्फ 7 दिन का वक्त दिया हुआ है इंक्वायरी कमेटी को। और लेकिन उन 7 दिनों में आप देखेंगे सैटरडे संडे भी आ चुका है जो छुट्टियाँ थी हमारे यहाँ, लेकिन फिर भी कि जैसे इंक्वायरी कमेटी अपना काम ज़रूर सैटरडे संडे को भी कर रही होगी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है अगर उन्होंने कुछ लोगों को बुलाना हो और पूछने के लिए तहकीकात के लिए या उनको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, तो शायद उस वजह से थोड़ा सैटरडे संडे को स्लो रहा हो, लेकिन उनका काम चल रहा है। एंड एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से चाहे हमारे वाइस चांसलर हों चाहे मैं हूँ, हमारी तरफ से कोई इंटरफेरेंस नहीं है, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमेटी चल रही है। ऑलराइट मैम, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे ये इंक्वायरी चल रही है, अगर सपोज सर के अगेंस्ट ये जाता है मामला प्रोफेसर ताजुद्दीन के, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या एक्शन रहेगा। देखिए, ये तो एक इंक्वायरी कमेटी की रिकमेंडेशंस पे डिपेंड करता है और इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट किस तरह की आएगी और जब वाइस चांसलर साहब उसको अप्रूव करेंगे उस पर क्या एक्शन बनेगा उसी हिसाब से हम चलेंगे। सो स्टूडेंट्स को आपने कैसे हैंडल किया, क्योंकि बच्चे उस दिन बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं और उनकी यहाँ तक डिमांड थी कि प्रोफेसर को नौकरी से निकाल दिया जाए। देखिए, जब शाम को कंप्लेन की गई सबसे उसी दिन शाम को हम लोगों ने इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी हुई थी, लेकिन बच्चों में बात फैलते फैलते जबकि सोशल मीडिया से सब जगह हो ही चुका था, अगले दिन आप बच्चों ने प्रोटेस्ट किया लेकिन हम इंक्वायरी कमेटी पहले ही बना चुके थे। तो यानी कि अभी मामला जो है वो ठंडा नहीं हुआ है, आप इस पर काम ऑलरेडी कर रहे हैं और इंक्वायरी जैसे आपने बताया इसको भी 7 डेज का आपने टाइम दिया था ऑलमोस्ट, तो है ना। जी जी जी, काम चल रहा है इंक्वायरी कमेटी का। चलिए, थैंक यू सो मच मैम। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मीनाक्षी किलम, इनका भी यही कहना है कि अभी मामला जो है दोनों पक्ष से देखा जाएगा क्योंकि एक तरफा सुनवाई नहीं कर सकते और वैसे भी कहा जाता है कि जब भी कोई इस तरह के सेंसिटिव इश्यूज होते हैं तो जो सुनवाई है वो दोनों तरफ की होती है। सो अगर और अपडेट्स आपको देखनी है तो देखते रहिए द न्यूज़ नाउ।